सबसे पहले तो आज के इस दिन की मुनासिबत से अकीदे खत्म-ए-नबूवत सेमिनार के अनुमान से ये अकीदा मुनाकिद करने पर तमाम मुंतज़िमीन को दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारा भी प्रार्थना कबूल फरमाए और जो बातें कही हुई कही गई हैं मौला करीम उन पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी उन मकसद की बातें चला करने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत हो चुकी हैं और बातें बड़ी अच्छी हो चुकी हैं, हमारे मुख्तलिफ दोस्तों ने अपने अपने अंदाज से बातें की हैं और अकीदा खत्म-ए-नबूवत के साथ अपनी वापसी का और अपनी वफादारी का अतरा के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रहण के साथ आपकी मोहब्बत का अपने अपने लहजे में इजहार किया है। मैं मुख्तसर अर्ज करना चाहूँगा कि मसला क्या है। आज की दुनिया जो इस वक्त हम पर दबाव है और जो दुनिया में चक्कर चल रहा है, इसकी वजह से हमें एक बार फिर इज्तिमाही तौर पर मुनज़्ज़म तौर पर आज के दिन फिर अपने जज्बात के इजहार करना पड़ रहा है और मुल्क में तमाम मकाते में फिक्र हमने वो जो मकाते में फिक्र इस तहरीक में शरीक रहे हैं अपने अपने अंदाज से सब इस मसले पर आज इजहार ख्याल कर रहे हैं। इसकी जरूरत पेश आई है तो सर मसला क्या है, इस पर कोई दलायल के हवाले से बात करने के बजाय एक वाक़ आज से 25 साल पहले की बात उस जमाने में ये अमेरिका और ये अमरीकी कांग्रेस में ये मसला देर मसला और फैम इतफाक से अमरीका गया हुआ तो न्यूयॉर्क में मेरे दोस्तों ने मेरे मेज़बानों ने एक यहूदी जर्नलिस्ट के साथ मेरी मुलाकात करवाई। वो ये उनसे क्या रहा था कि पाकिस्तान से कोई बड़े साहब आए तो मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं तो हरण पड़ा आदमी को अंग्रेज में नहीं जानता, लेकिन दोस्त इतफारणा हमारे पता के दोस्तों में उनके करना का जवान था तो उसको वो अच्छा करना चाहता हूँ। बात वादे हो जाएगी कि बात मसला है क्या यूरोपी जर्नलिस्ट का, उसने मुझसे सवाल और सारे बताओ अहमदी जो है ये हजरत मोहम्मद को भी मानते हैं कुरान को मानते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। आज की पढ़ी लिखी दुनिया में ये सवाल बहुत अहमियत रखता है। तो दुनिया वाले तो मुसलमान किसे समझते हैं जो खुदा को मानता हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हो, कुरान को मानता हो, दुनिया वाले मुसलमान कहते हैं। जब कादियानी कहते हैं कि हम मोहम्मद को भी मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं है, सारी दुनिया उस शख्स को मुसलमान कहती है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और कुरान को माने, आप को नहीं मानते। सवाल देने आ गया मैं इसके अंदर भाई एक कहो तुम कौन हो, मजहब कर यहूदी क्यों वजह इसलिए हुजूर ने मूसा को मानते हो तौरात को मानते हो अलैहि सलाम इसलिए तुम यहूदी इसलिए कहलाते हो कि हजरत मूसा को मानते हो और हजरत और तौरात को मानते हो, इसलिए यहूदी का रास्ता कह देते हो। मैंने कहा ईसाई हजरत मूसा को मानते हैं या नहीं मानते, अगर मानते तौरात को मानते हैं या नहीं मानते, आज कोई ईसाई दुनिया में कहीं क्लेम करे कि मैं चूंकि मूसा को मानता हूँ और तौरात को मानता हूँ फिर हूँ ईसाई, मुझे यहूदी तस्लीम किया गया तस्लीम करोगे गवाह क्यों। सवाल यह था कि ईसाई हजरत मूसा साहब को मानते हैं कि नहीं मानते, तौरात को भी बाकी तौरात भाई को कैसा है। जब एक ईसाई हजरत
कुमार साहब को मानता है और आपको मानता है, अगर वो ये क्लेम करे कि मैं तुझे मानता हूँ इसलिए मुझे यहूदी तस्लीम किया जाए, अगर दुनिया का कोई यहूदी किसी ईसाई को यहूदी तस्लीम करेगा तो मानता होगा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम को मानता होगा तौरात भी मानता होगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नए नबी को मानता है और तौरात के बाद एक नई किताब को मानता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने के बाद हजरत ईसा का नबी मानता है और तौरात को अल्लाह की किताब मानने के बाद इंजील को मानता है, इसलिए नया नबी मानकर नई वही मानकर वो पहले मतलब ज्यादा हो गया। मतलब यह है उसूल ये हुआ कि नए नबी के साथ और नई वही के साथ मजहब अलग हो गए मानता और आपको भी मानता हूँ, अगर किसान साहब को भी मानता हूँ, इंजील को भी मानता हूँ, खुदा ना करे खुदा ना करे आप समझाने के लिए कह रहा हूँ, दुनिया के किसी फॉर्म पर मैं ये कह कर मुझे ईसाई तस्लीम किया जाए कोई करेगा? किसान साहब को मानता हूँ, उनसे ज्यादा मानता हूँ मैं तो, पिछले किसान साहब को मानता हूँ, आने वाले को मानता हूँ, मानने के बाद एक नया नबी मानते हो एक नई किताब मानते हो इसलिए नया नबी मानने से नई वही मानने से मतलब पहले नबी से क्या हो जाता है, इसलिए मेरे भाई मैंने उसे कहा मेरे भाई इस तरह ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात को मानने के बावजूद नया नबी और नई वही मानने से अलग मजहब हो गए हैं, जिस तरह हम मुसलमान मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात को ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील को मानने के बावजूद नया नबी और नई किताब मानने के बाद उनसे अलग हो गए हैं, इसी तरह ताजे तो मानते होंगे, मैंने चैलेंज कर था कुरान को भी मानते होंगे अगर मोहम्मद को भी मानते होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन एक नया नबी नबी मानते हैं नई वही मानते हैं वो हमसे अलग था। नई वही के साथ और नई नए रसूल के साथ उम्मत पहले उम्मत उम्मत से क्या हो जाती है अकेली बात में सुना ये बताओ ये तुम ईसाई आम भी हो पाकिस्तान में मस्जिद को भी बनाने देते हैं जलसा को भी करने देते हैं अपने मतलब की तकलीफ को भी करने देते हैं उनको हुकुम ये क्या जो हुकुम है इंसान जो हुकुम है तुमने पाबंदी लगा दी है कि इस ये कादियानी में मस्जिद भी बना सकते हैं कादियानी अपने जलसा नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते इस्लाम का बैठ नहीं लगा सकते मस्जिद की मिलाग नहीं बना सकते ये क्यों ये तो इंसानी हुकूम का मसला है शहरी हुकूम का मसला है मस्जिद की आजादी का मसला है तो उनके हुकूम को नहीं देते मैं लिया सो झगड़ा क्या अगर देखो एक फर्क 100 साल से चली आ रही उसका एक साख है तारफ है मार्केट उसके मोनोग्राम एक ट्रेडमार्क उस ट्रेडमार्क के साथ उस मोनोग्राम के साथ उस नाम के साथ उसकी इंसान बनी है लोग नाम देखते हैं ट्रेडमार्क देखते हैं चीज बिकते हैं साथ है उस कंपनी में से जो 100 साल से चली आ रही है दो चार आदमी अलग होकर नई कंपनी बना लेते हैं ये बताओ इस नई फर्म को पुरानी फर्म का नाम इस्तेमाल करने का हक है या क्या कहते हैं नई फर्म उन्हीं में से जो भी होनी ठीक है
गलत खेत में निकल गए, नई फार्म बना। इस नई फार्म को पुराने फार्म का नाम इस्तेमाल करने का हक है, उसका ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने का हक है, उसका मोनोग्राम इस्तेमाल करने का हक है। झगड़ाइए झगड़ा वो करेंगे, झगड़ा टाइप होता है। हम उससे सीधी सी बात करेंगे, जब नाम मतलब अलग हो, कंपनी अलग है, मेरा नाम रखो भाई, नया ट्रेडमार्क बनाओ, नया मोनोग्राम बनाओ, मेरे नाम पर अपना सौदा मार्केट पे लगा रहे हो। मेरे नाम इस्तेमाल कर अपना सौदा मार्केट पे लोग कर दो। बस एक नक्शा है, यहाँ दीनार होंगे दो तीन चार, जहाँ ये शक्ल की इमारत होगी मुझे लग रही है वो किस किस्म की जाएगी बताए बताए। हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा मोनोग्राम है, हमारा नाम है, फर्क नहीं है तो नाम नहीं रखो, फर्क नहीं है ट्रेडमार्क नहीं रखो, फर्क नहीं है तो मोनोग्राम नहीं रखो। हमारे नाम पर, हमारे मोनोग्राम पर, हमारे ट्रेडमार्क पर ये नई कंपनी तमाम मार्केट में क्यों आ रहा है झगड़ा ये। और कामयाबी इस बात पर मुश्किल है, 150 साल से इधर हम नया नबी भी मानते हैं, नई वही भी मानते हैं, ना पुराना ही सेवा करेंगे, अड़चन नहीं करना, सिर्फ इस उनके इस मौकफ को किसी का चुका, उनके इस मौकफ को पूरी उम्मत मुस्लिमा में दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान हल्का भी वो किसी वक्त अगर फिक्र से तारक रखता हो ये मौका तस्लीम कर लेंगे। भाई तुम अलग हो अलग, चलो ठीक है ये बात ठीक है, मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक थी ना, आप मेरी बात सुनो, अब तक सवाल किया तुमने, अब मेरे दो सवाल है। जब तुम समझते हो इस बात को, ये बात मैं पूछता हूं तुमसे कि क्या मुझे अपनी शनाख्त के तहफ्फुज़ का हक है कि नहीं, मेरे नाम है, मेरी शनाख्त, अगर कोई आदमी मेरे नाम से मेरी शनाख्त से अपना काम करे तो वह ऐसे का कोई होता है नहीं, तो मालूम चला कि इजारा है हैसियत और ठीक है, मेरे शनाख है, मेरा एक नाम है, तो आज अच्छा होना कैसा है, मेरे नाम पर अगर कोई गुण आदमी खड़ा हो और मेरा नाम और मेरी टर्म्स इस्तेमाल करके अपनी बात करे, इसको कानून क्या कहता है, तो इसको कानून क्या कहता है। मेरा सवाल यह है, इंसाफ के नाम पर सवाल यह है, इस पोजीशन में कि शनाख्त मेरी मजबूर हो रही है, तारफ मेरा खराब हो रहा, तशखुस मेरा खराब हो रहा, और तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे हो, जाति तुम कर रहे हो, जाति मेरा तशखुस खराब करने वाला कर रहा है, जिसका तशखुस खराब हो रहा है, जाति किसकी है, कोई आदमी मेरा नाम इस्तेमाल करके अपना काम चला रहा है और मैं जहाँ कोर्ट पे जाता हूँ और तो मुझे बात करके अगर वाली साहब उसके भी हुकूम है, एक आदमी फ्रॉड करके किसी कंपनी के नाम पर जारी कारोबार कर रहा है और वो कंपनी अदालत में जाते हैं, वहाँ ये खड़े होकर तुम कहोगे कि अभी यार छोड़ो यार उसके हुकूम का इंसान, मैंने कहा आज मगर हमारे साथ नहीं पड़ा जाके हमारे साथ इंसाफी हमारे साथ हो रही है, मतलब तुम इंसाफ से कहो तो तुम इंसाफ का साथ दे रहे हो, जुल्म का साथ दे रहे हो, तुम्हारी कुछ बनाई से आज कामयाबी दुनिया में, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दस्तूर के खिलाफ, पाकिस्तानियों के मजहब के खिलाफ बहुत चल रहे हो, जब एक कप्पा ये कहता है
कि मैं पाकिस्तान के दस्तूर की फुलाशिप को नहीं मानता और उसको चैलेंज करता हूँ। इसको कानून की जबान क्या कहती है? दस्तूर को चैलेंज, मैं दस्तूर को नहीं मानता, मैं दस्तूर को नहीं मानता, दस्तूर की फुलाशिप को नहीं मानता, इसको कानून की जुबान क्या कहती है? आज कादियानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ दो हवालों से मोर्चाबंदी कर रखी है। कनाडा में बैठे हैं, अमरीका में भी बैठे हैं और जर्मनी में बैठे हैं, बरतानी में बैठे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों का फैसला नहीं मानते, हम पार्लियामेंट का फैसला नहीं मानते, हम दस्तूर की दफा को नहीं मानते और दुनिया उन्हें सपोर्ट कर रही है। हम कह रहे
मुसलमान बेअमल होगा, कमजोर होगा। आप बस देखें ये बात भी है, अब आप उसे गौर करते हैं। बड़े बदन लेकर लड़ते हैं, लेकिन जब भी कुर्बत की बात आती है इकट्ठे होते हैं। नामूस की बात आती है तो कोई झगड़ा वगैरह है? मैंने इसे कहा करता हूँ मगरबान से, बड़ी वक्त वक्त दया कर ना करो। ये कौम जब भी इस किस्म का मसला पड़ोगे इकट्ठी होगी, और इन दो मसलों में से कोई मसला भी हो, जनाब नबी करीम की इज्जत और नामूस का मसला और अकीदे खत्म नबूवत का मसला, इसमें से किसी मसले पर आज से 50 साल बाद भी देखोगे इस कौम का टेम्परेचर यही। साधन के इजहार का ये मौका है, और मैं इस तरतीब के साथ आप हजरात से जानना चाहूँगा। अल्लाह पाक आप हजरात को इसकी पब्लिक पर और इस आमोगी हमामी के साथ पर सब दोस्तों को अल्लाह पाक बड़ा खैर अता फरमाए, और हम अपने अकीदे पर अपने कमिटमेंट पर और मिशन पर अल्लाह पाक हमें इस्तेमाल नसीब फरमाए। صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه.